कांवरियों का जत्था अरेराज के लिए किया प्रस्थान। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी तरियानी प्रखंड के कांवरिया संघ के द्वारा माधोपुर छाता द्वार माघोपुर छाता के अरेराज अवस्थित शिव मंदिर में जलाभिषेक हेतु 8 सितंबर 2019 को पूर्वाहन 7 बजे जल लेकर माधोपुर छाता में लेवासी रामपुर खास हिरम्मा हितोरा दुम्मा होते हुए अरेराज के लिए प्रस्थान करेंगे, जिसके चलते एसडीएम एसडीपीओ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने प्रखंड विकास पदाधिकारी तरियानी एवं अंचल अधिकारी तरियानी को कांवरियों का जत्था अरेराज जलाभिषेक हेतु प्रस्थान एवं वापसी के समय संपूर्ण कार्यक्रमों का जायजा लिया। स्थापना 1972 में हुआ, 1981 से लेके अभी तक इस कफला के तरफ से बाबा हर साल बाबा अरेराज के लिए सोमेश्वर नाथ के दर्शनार्थ जाता है। सर बेलवा घाट पर जो जलभूजी होने वाला है उसके बारे में सर बताया जाए, सर माधोपुर छाता से जो कांवरिया का जत्था जाएगा उसके बारे में क्या व्यापक व्यवस्था की है आप? माधोपुर से 8 तारीख को माधोपुर छाता से हिरम्मा होते हुए 8 तारीख को कांवरिया का जत्था निकलेगा जी सर। वहाँ पर विधि व्यवस्था के लिए जो भी पदाधिकारियों की नियुक्ति पुलिस पदाधिकारियों और मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करना था वो कार्रवाई की जा चुकी है, शांति समिति की बैठक की जा चुकी है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे से गुजर जाएगा। 8 तारीख को ही रिजमा से भी कांवरियों का जत्था सेंसिटिव पार्ट होकर गुजरता है, जैसे परसौनी बच और परसौनी तैयब जी सर ग्रहिया होते हुए निकलता है जी। उसके लिए भी विधि व्यवस्था के लिए संधारण के लिए मजिस्ट्रेट की जहाँ जहाँ पर जरूरत थी वहाँ पर कर दिया गया, जहाँ पर पुलिस पदाधिकारी की नियुक्ति करनी थी वहाँ पर पुलिस पदाधिकारी नियुक्ति कर दी गई है, शांति समिति की थाना स्तर पर बैठक हो गई है। सर बेलवा घाट के बारे में बताया सर, वहाँ पर बेलवा घाट में इस बार आप जानते हैं कि बहुत भीषण बाढ़ आई थी, वहाँ पर पहले से भी रास्ता नहीं और जो भी रास्ता था वो डैमेज हो गया, लेकिन हम लोगों ने प्रशासन तत्व पे जो है बागमती प्रमंडल को पकड़ करके ट्रैफिक चालू रहे उसके लिए व्यवस्था करवा दिया है। वहाँ पर कैंप टेंट वगैरह सब जो लाइट वगैरह की व्यवस्था प्रखंड विकास अधिकारी द्वारा उसे भी करवा दिया गया है जी। जो कंट्रोल रूम बनता है वो भी कंट्रोल रूम वहाँ पर करवा दिया गया है, सारी व्यवस्था जो प्रशासनिक स्तर से की जाती है और संभव थी वो करवा दिया गया है जी। उम्मीद करते हैं कि हमारे कांवरियों को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जी।